शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा करावचित पल्लव बल्लरिके राधा पदांक विलस मधुरस्थलिके राधाङ्गजसमुखं खङ्गाङ्गबलिके राधा विहार विपिने रमतांग मनो मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जोर बोला हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री वृंदावन धाम परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम श्रृंगार भट है। इस स्थान का नाम श्रृंगार भट जहाँ पर श्री श्याम सुंदर अपना हाथों से श्रीमती राधा रानी को श्रृंगार किया था, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं यद्यपि कृष्ण परम सुंदर है उनसे सुंदरता जगत में कोई है ही नहीं, इसलिए भूषणांग भूषणांग में उनको बताया भूषण से भी वो परम भूषण कृष्ण है, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं स्मेरांग भगनी त्रय परिचिताव साची विस्तीर्ण दृष्टि। कहते खबरदार कभी वृंदावन में मत आओ, वृंदावन में आओ मत। बोले भैया सारा दुनिया कहते वृंदावन आना, आप कहते बताओ हैं। कहते अगर आए ना गोविंद देव मंदिर में तो प्यार रखने नहीं चाहिए। बोले अभी तो हम वहीं पर खड़े हैं। बोले अगर वहां पर खड़े हो भूल से भी गोविंद देव का दर्शन मत करना। भैया उनको तो देखने के लिए ही पैसा खर्च कर कर आए, आप कह रहे उनको दर्शन मत करो। इसलिए कहते स्वरूप नयन हेरे केह नहीं घरे फिरे संसारे जीवेर सतो है सर्वनाश। अगर उनको एक बार दर्शन करोगे ना उनका तेरे से चितवन नहीं वो तीर है, उनकी मीठी मीठी मुस्कान नहीं वो जादू है। अगर एक बार तेरे से चितवन से देखे वो तीर इस पार से उस पार हो जाएगा, फिर तो संसार छोड़ करके अगर पति देखेगा तो पत्नी को भूल जाएगा, पत्नी देखेगा तो पति को भूल जाएगा, बच्चे देखेंगे तो पिता माता को भूल जाएंगे, अगर पिता माता देखे तो बच्चों को भूल जाओगे। बल्कि वृंदावन राधे राधे बोल और वृंदावन में तो इसलिए वृंदावन में पागल, इसलिए यद्यपि कृष्ण परम सुंदर है उनसे सुंदर कोई नहीं। लेकिन कहते हैं लेकिन उनका सर्वोत्तम सुंदरता कब प्रकट होता है? बोले जब श्री श्याम सुंदर जब श्री श्री अनुकूल नायक हो, और राधा रानी जब श्री श्याम सुंदर श्री अनुकूल नायक आराधारणी स्वाधीन भत्रिका हो, कहते पूर्ण रूप में उनकी श्रृंगार पूर्ण रूप में उनकी सुंदरता प्रकाश पाता है। बोले वो लीला कहाँ पर? बोले यही पर, यही श्रृंगार बैठे है जहां पर श्री श्याम सुंदर अनुकूल नायक मतलब राधारानी जैसे बोले वैसे करे, राधारानी की इच्छा राधारानी अगर बोले उठो तो उठे और बैठ तो बैठो चले तो चले, इसको कहते हैं अनुकाल नायक नायिका है। और स्वाधीन भत्रिका मतलब श्री राधा जी की संपूर्ण रूप में श्याम सुंदर जा अधीन बन जाए, इसलिए यही ये श्रृंगार बैठे है। इसलिए विश्व ब्रह्मांड जिनको श्रृंगार करते हैं लेकिन श्याम सुंदर किसको श्रृंगार कर रही है? बोले श्रीमती राधा रानी को। इसलिए उनका नाम है कि केशव, ये केशव का मतलब क्या है? उसका एक अर्थ है क मतलब ब्रह्मा, इस मतलब से शंकर जी शंकर का भी जो प्रभु ये अर्थ है, और केशव का दूसरा अर्थ बोले केशव बयाति इति केशव। जहां पर श्याम सुंदर वहां पर देखो वहां पर एक फोटो रखा हुआ है जहां पर श्री श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं? राधा रानी को केशव को संभाल रहे हैं, उनको हाँ केश प्रसादन कर रहे हैं श्याम सुंदर, इसलिए उनका नाम केशव उनका नाम है। जब कृष्ण रास लीला कर रहे थे आप लोग ने श्रवण किया, जिस समय राधा रानी मान करके रासलीला छोड़ देती हैं, श्याम सुंदर श्री राधा रानी को लेकर के यहीं पर आ गए। जब यहीं पर आए इतने में गोपियां कृष्ण प्रेम में दीवानी हो
होकर के सारे लता पता वृक्ष सबको पूछ रहे हैं हमारे श्याम सुंदर कहीं देखे हो हैं। इतने में उन्होंने श्री कल्याण तुलसी जी को देखे, बोले हमारे कहीं श्याम सुंदर को देखे हो, और कुछ बोली नहीं। बोलिए क्यों बोले, ये तो डाह कर रही ना, एक स्त्री दूसरे स्त्री को देख नहीं सकती है, ये डाह कर रही है इसलिए नहीं बोल रही। इतने में पृथ्वी को पूछे, बोले पृथ्वी तुम तो सर्वत्र व्याप्त हो, इसलिए कृष्ण कहीं भी गए होंगे तेरे को भी तो पता होगा। लेकिन जो पृथ्वी को उन्होंने प्रश्न की, पृथ्वी को पर देखे देखा, इतने में श्री श्याम सुंदर का चरण चिन्ह उन्होंने देखा। इसलिए जिसने बताए कृष्ण के चरण में उन्हें से चिन्ह है, लेकिन सारे अवतार में नहीं, सारे अवतार में नहीं, किसमें चार किसमें छह है, लेकिन कृष्ण पूर्ण ब्रह्म इसलिए उनके चरण में उन्हें से चिन्ह उन्होंने देखा। देख करके तो पहचान गए सब गोपियां, क्यों उसमें तीन तरह की गोपियां थी, जिसमें तटस्थ, जिसमें सुपक्ष और विपक्ष। अभी कृष्ण का चरण की सेवा सबके सब करती है, इसलिए चरण चिन्ह देख रहे थे, समझ गए थे श्याम सुंदर का चरण चिन्ह है। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, फिर देखा दोनों को चरण में एक सुंदर एक प्यारी, कोई एक किशोर जी की छोटी सी चरण चिन्ह है। अभी ये चरण चिन्ह को सब नहीं पहचान पाए, जो विपक्ष है वो नहीं पहचान पाए, क्यों वो चंद्रावली की पक्ष है, वो केवल श्याम सुंदर का चरण को जानते हैं इसलिए वो पहचान नहीं पाए। लेकिन जो राधा रानी की जो पक्ष है वो तो देख करके पहचान गए, बोले देखो देखो ये तस्वीर हमारे श्री किशोर जी की ये चरण चिन्ह है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कहते हैं, कदी जो अनयाराधितनुनम भगवान हरिश्वर, कदी जो श्लोक है, कदी श्लोक क्या है, बोले ये श्लोक वो है जैसे दो पार्टी में अगर लड़ाई हो ना, अगर एक पार्टी अगर जीत जाए वो क्या करते हैं, वो शंख बजा करके शंख ध्वनि करते हैं, कहते हमारी पार्टी जीत हो गई। मतलब है यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, वो भी श्री प्रिया सुख, इसलिए प्रिया सुख श्री प्रिसभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेना एकांत नंद रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। कहती ये सुख कौन है, श्री सुख, बोले श्री प्रिया सुख श्री प्रिसभानुजाया, ये राधा रानी के प्रिय सुख है, और निकुंज प्रसाद सदा निवासी, राधा रानी के निकुंज महल में ये रहने वाले सुख है। इसलिए कभी कभी श्री राधा रानी इनको श्याम सुंदर का रूप मान करके कभी कभी उनको चुंबन करती थी। इसलिए राधा जी की जो अधरामृत है ये सुखदेव गोस्वामी के थोंट में लगा हुआ। इसलिए भागवत कथा जितने भी वहां पर 100 साल 200 साल 500 साल के जटाजुट धारी थे, लेकिन कथा किससे सुने, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी को, क्यों ये प्रिया सुख श्री प्रिसभान जाया, इसलिए वो पहचान गए राधा जी की चरण चिन्ह को पहचान गए। और वो डिक्लार करते हैं, उद्घोष करते हैं, जैसे शंख बजाते हैं ना, ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी शंख जैसे बजाए, बोले भले ही तुम अपना को जितने बड़े मानते हो मानो, लेकिन देखो देखो तो सही हमारे श्याम सुंदर किसको लेकर गए, किसको लेकर गए, किसको लेकर गए, बोले श्रीमती श्री राधा रानी को, बोले अनयाराधितनुन, यही सखी ही विशेष पूर्वक श्याम सुंदर का आराधना करती, बा कृष्ण ने आराध्यते इति राधा, श्याम सुंदर भी जिस राधा रानी की चरण की सेवा स्वयं श्री सेवा कुंज में करते हैं, बोले श्रीमती राधा रानी की, जोर से बोलो, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए ये जब फिर यहीं पर श्री श्याम सुंदर राधा जी के श्रृंगार कर रहे थे, श्रृंगार करते करते इतने में राधा रानी ने देखा, मैंने जो काम किया अच्छा नहीं किया, क्योंकि गोपियां और कोई नहीं, ये मेरी काव्या सौट पड़ी है, मैं केवल कृष्ण को अकेले ला कर यहाँ आनंद ले रही हूँ, ये सही नहीं है। इतने में श्याम सुंदर सखियों की आवाज को सुनकर बोले जल्दी जल्दी यहाँ से चलो। राधा रानी जान बुझ कर टेढ़ी बन गई, बोले यहाँ से मैं नहीं चल सकती हूँ, जैसे लाए थे ना मेरे को वैसे ले चलो। बोले क्या मेरे कंधे पर बैठो, बोले बैठा दो। बाद जब राधा रानी बैठने के लिए गई, वहीं पर श्री श्याम सुंदर यहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर गोपियां आकर राधा रानी को मूर्छित अवस्था में देखे, फिर उनकी मूर्छा उन्होंने भरी की, बोले देखो कृष्ण को ढूंढो मत, क्योंकि जितने हम ढूंढेंगे श्याम सुंदर शर्मिंदा होकर के यहाँ से श्याम सुंदर दूसरे जगह पर जाने के लिए कोशिश करेंगे, फिर कृष्ण को कष्ट होगा, इसलिए कृष्ण को उसका भजन बहुत प्यारा है, चलो हम यहीं पर बैठ करके भजन करेंगे। कहाँ पर बैठे, बोले यही यमुना किनारे में बैठे करके उन्होंने यहीं पर उन्होंने गोपी गीत को गाए।
इसलिए यहाँ प्रश्न है भैया, ये यमुना किनारा में क्यों बैठ कर गाए, दूसरे जगह पर क्यों नहीं गाए? उसका दो एक कारण बताए। पहला कारण, अगर जंगल में गाएंगे तो इसका आवाज बहुत दूर तक नहीं जाएगा, इसलिए खुला में गाओ तो कोई आवाज बड़े दूर तक जाएगा, ये कारण। दूसरा है, ये यमुना कौन है? कहती ये अनुराधा है, ये अनुराधा है, हैं? इसलिए कृष्ण प्रेम को ये देने वाली ये श्री यमुना देवी है। ये कभी श्री राधा श्याम सुंदर से मिलाया, बोले एक समय कृष्ण और राधा में ऐसे हुआ, राधा रानी श्याम सुंदर को बोले, बोले श्याम सुंदर मैं तो हर समय मान करती रहती हूँ, लेकिन आप तो मेरे को मनाते, एक बार आप भी एक बार मान करो। कृष्ण बोले थोड़ी पुरुष लोग मान करते, मानो तो स्त्रियां करते, पुरुष मनाते हैं। बोले एक बार मान करो ना, एक बार आप तो मेरे को मनाते हो, मैं एक बार आपको मना करके देखती हूँ। अभी बोले ठीक है, इतने में श्याम सुंदर ने मान कर दिया। देखो अगर कोई व्यक्ति सचमुच से सोया हुआ उसको जगा सकते हो, लेकिन जानबूझकर कोई सोए ना उसको जगा नहीं सकते हो, लेकिन श्याम सुंदर का तो मान का कोई कारण नहीं था। अभी श्याम सुंदर ने मान कर लिए, अभी राधा रानी कृष्ण को मनाए, मान जाओ, लेकिन कृष्ण का मान किसी तरह से उतर नहीं रहा है, किस तरह से उतर नहीं रहे मान, जब किसी तरह से उतरा नहीं मान। अभी राधा रानी बोले भैया हमने क्यों श्याम सुंदर को मान करने के लिए इनके मान ही नहीं उतर रहे। इतने में उन्होंने कहा यमुना जी के पास में गई राधा रानी। यमुना बोली ये कोई बड़ी बात थोड़ी मेरे लिए, मैं तो चुटकी बजाते ही श्याम सुंदर का मैं मान उतार दूंगी। बोले मान उतार दोगे? बोले हाँ। बोले अगर तुम मान उतार दिया ना, चिरकाल के लिए प्रेमी बन जाऊंगी। इतने में यमुना कालिंदी, इनका रंग कैसे है? श्याम रंग कालिंदी की। इतने में उसने बड़ी सुंदर उन्होंने कृष्ण का श्रृंगार की, अद्भुत, इतने सुंदर कृष्ण रूप धारण की, देखने में तो कृष्ण रंग है, चोटी और बड़े सुंदर आंख काजल और कान में कुंडल पहन करके से यमुना जी कृष्ण रूप धारण किए। जब कृष्ण रूप धारण करते हुए यहाँ पर आए कृष्ण के पास में, कृष्ण तो देख करके चकाचौंध हो गए। कहते क्या हम कहीं यमज संतान जन्म हुए तो भैया हमें कभी बताया नहीं क्यों? कृष्ण देखना एक तो पुरुष हो, लेकिन एक लड़की को अगर आप पुरुष बना दो, देखना वैसे लड़की तो थोड़ी सुंदर होती है, हाँ सुंदर होती है, अगर किसी लड़की को अगर आप किसी पुरुष बना दो ना, देखना वो पुरुष को भी बात करने वाला रूप होता है, पुरुष को भी फेल कर देते हैं। इतने लड़की को अगर पुरुष बना दो, इतने में कृष्ण बोले भैया ये तो मेरे से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है, हाँ ये मेरे से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है, क्या मेरी मैया ने भाई जमज संतान जन्म दी थी और उनने बात को छुपा करके रखे थे। इतने में जो यमुना जी कृष्ण रूप धारण करके आए, इतने में गोपियों ने देखा भैया तो कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है कृष्ण। इतने में जो असली कृष्ण को उसको छोड़ दिए और नकली कृष्ण को उसी से बोल गए। कृष्ण बोले ये क्या हुआ, ये तो सबके सब मेरे को छोड़ करके इसको पीछे भाग गए, भैया ये कहे कौन? कृष्ण समझ गए मेरे दाल में कुछ काली है। इतने में बोले तुम कौन हो? बोले कृष्ण हो। बोले भैया मैं भी कृष्ण, अरे हम दोनों दोस्त हो गए। बोले चलो हम दोनों गले में मिलते हैं। जब दोनों गले में मिलने के लिए गए ना, फिर तो पता चले गया ये कोई पुरुष नहीं, ये कौन है? ये कोई स्त्री है, हाँ स्त्री है, पता चले गया। इतने में उन्होंने जो कृष्ण का जो मान था ना, वो कृष्ण मान खत्म हो गया। इसलिए ये यमुना जी, ये राधा कृष्ण को उन्होंने मिलन कराया, किसने? ये यमुना नदी ने मिलन कराया। इसलिए इनकी कृपा के बगैर श्री श्याम सुंदर का प्राप्ति नहीं। इसलिए यहीं पर बैठ करके श्री ब्रज गोपियां गोपी गीत को गाए, हम एक दो श्लोक गा लेते हैं। बोले जयती तेधिकाम जन्मना ब्रज, फिर तो कहा गया प्रयत इंदिरा स्वदात्रहि दायित्रीक सताम दीक सुता अबका प्रीसा मयात्मजा
कृष्ण मनमत का मनमत रूप लेकर कृष्ण प्रकट होते हैं। जब प्रकट हुए यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं ये जब प्रकट हुए इतने में कुछ गोपियां आकर के कृष्ण का चरण को पकड़ लिए, कोई आकर के तांबुल मांग रहे हैं, कोई उनको गलबेनिया दे रहे हैं, कोई उनकी दोपटा पकड़ लिए, लेकिन कुछ गोपियां पास में भटक नहीं रही और दूर से खड़ी होकर देख रही। लेकिन उसमें एक गोपी तो इतने क्रोधित होकर के बोले एका प्रकृति महाभाग्या प्रेम संप्रीत विबला, वो दूर से एकदम तेरे से चितवन से जैसे किसी व्यक्ति को जला देगी जैसे इतने क्रोधित होकर के वो देख रही। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर मेंशन नहीं किया ये कौन ये कौन ये कौन। श्री सनातन गोस्वामी बात को सब बता देते हैं, कहते हैं जो उनका चरण पकड़े पाम पकड़े गले बहने दिया ताबुल मांग रही कौन है, बोले चंद्रावली की पत्नी है, ये चंद्रावली की पत्नी है, हैं? लेकिन जो कुछ गोपियां दूर से देख रहे थे फटक नहीं रही थी, कहती ये कौन, बोले ये ललिता विशाखा जी ये सखियां है, बोले रामचंद्र महाराज की, कहती ये ललिता विशाखा जी सखियां है। लेकिन जो अकेली खड़ी होकर के बड़े क्रोध से भ्रुकुटी नयन से देख रही थी हैं? जैसे जला देगी वो कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। ये ललिता विशाखा जितने सखियां ये दूर से देख रहे थे बोले देखो देखो तो सही, जद्यपि उनकी चरण कोई पकड़े उनकी कोई हाथ पकड़े कोई उनको उत्तरी पकड़े कोई उनके ताबुल मांग रहे हैं, लेकिन हमारे श्याम सुंदर का जो नजर है ना कहीं भी श्याम सुंदर का नजर नहीं, श्याम सुंदर का नजर कहाँ पर है, बोले श्रीमती राधा रानी के प्रति नजर, राधा जी के प्रति नजर है उनकी नजर और किसी को प्रति नहीं। बोले यहीं पर ही कहती है ब्रज गोपियां यहीं पर ही उन्होंने अपना गले से अपना चुंदरी को उन्होंने उतार करके श्री श्याम सुंदर को यहीं पर उन्होंने आसन दे करके बैठाए और बैठा करके उन्होंने उनसे प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न, उनको तीन प्रश्न करते हैं, हैं? यहीं पर बैठा है जमुना किनारे बैठा है, ये तो जमुना किनारा ना, ये तो जमुना किनारे तक गई, इसलिए उनको हाँ कहती जो गोपी गीत है ना श्री अद्भुत रूप में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये गोपी गीत में इतने आकर्षणीय अद्भुत रूप में उन्होंने गोपी गीत को उन्होंने व्याख्या करते हैं, एक अन्य रूप में और एक व्यतिरेक रूप में, एक अनुकूल रूप में और एक प्रतिकूल रूप में। अनुकूल मतलब जैसे तब कथा मृतम तब जीवनम कभी भीतम कल्मषापहम, साधारण रूप में किया, बोले हे श्याम सुंदर तुम्हारी कथा अमृत है, हैं? गोपियां कहती हैं कौन कहता है अमृत है, कौन कहता है ये अमृत, ये अमृत नहीं ये तो मारने वाले है कृष्ण कथा। बोले जब तक तुम्हारी कथा हम नहीं सुन रहे थे ना तब तक तो हम घर गृहस्थी का काम संभाल रहे थे, तब तक संसार में सही सही काम कर रहे थे, लेकिन जब से तुम्हारी कथा सुने है ना हमको पागल बना दिया तुमने। देखो कोई रसिया से आ गए, कोई लंदन से, कोई फ्रांस से, कोई ब्राजील से, कोई अमेरिका से, कोई दिल्ली से, और कोई जनकपुरी से, और कहां से कहां से यहां, और कोई चाइना से, क्यों पागल हो गए, कोई फरीदाबाद से आए इसलिए भाई फरीदाबाद से आए क्यों पागल हुए, और कोई रूप सनातन से इसलिए क्यों पागल बने हो, और बंगाल से तो पागल ही होकर घूम रहे सब बंगाल बंगाल चौबीस बारह करना, और कहां से कहां से टिक तुम्हारा सबको पागल बना दिए, बोले बिना पैसा में कथा सुनाएंगे हैं, स्वयं का घर मकान नहीं है सबको पागल बना करके तीर्थ महाराज सभा की पागलवानी दिए छे, पागलवानी है नीचे गुरु बेड़ा छे सभा के पीछे वजन गुरु बेड़ा छे नीता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऐसे इसलिए यहाँ पर रेखा ने बोल छे यहाँ पर के तब कथा मृतम, बोले श्याम सुंदर तुम्हार कथा जो सुनबे ना वो मरवे बाँचवे ना मरवे है, जो सुनेगा वो मरेगा, बोले तब जीवन तब जो जीवन जो शांत हो जाता है, तो कौन कहता है तब जीवन शांत हो जाता है, जो तब जीवन शांत नहीं होता अशांत हो जाता है, हाँ अशांत हो जाता है, क्योंकि कृष्ण विरह की जो ज्वाला है ना, बोले पीड़ा भी नवकुल काट कटता गर्भ से निर्वासनम, कृष्ण प्रेम का जो विरह है ना करण काल कुट जहर जैसे उसकी विरह है कृष्ण प्रेम की, तभी तो पागल करके सब घुमा रहे हैं सबके सब अशोक नगर से पागल होकर भागते भागते आगे जाते हैं, इसलिए ये कथा इसको सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अद्भुत अद्भुत रूप में जो अन्य और व्यतिरेक रूप में जो अर्थ करते हैं ना, क्यों कृष्ण बीच में प्रकट हुए,
कारण यही है, लास्ट में उन्होंने जब शब्द प्रयोग किया, उन्होंने बोले हे श्याम सुंदर तुम्हारे चरण कितना कोमल है, हैं? जिस चरण कमल को हम अपना वक्ष स्थल में रखने के लिए भी हम डरते हैं, लेकिन उन चरण को तुम कहाँ कहाँ जंगल में भटका रहे हो, कहाँ कंकड़ कंकड़ को ऊपर में और कहाँ कांटा को ऊपर, इसलिए श्याम सुंदर तुम्हारी दुख को देख रहे, तुम स्वयं तो दुख भोग कर रहे हो, तुम हर समय चाहे तो हमें भी दुख दो, क्योंकि तेरे दुख तो हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए इतने कोमल चरणों को तुम कहाँ कहाँ भटका रहे हो। लेकिन जब उन्होंने ये श्लोक बोले ना, फिर तो कृष्ण को रहा नहीं गया, फिर कृष्ण मनमत का मनमत रूप लेकर प्रकट हुए। फिर गोपियों ने तीन प्रश्न करते हैं, बोले कृष्ण बोले तो जो भजन करने वाले को एक भजन करते हैं, करे नहीं करे तभी करते, करे नहीं करे तभी उसके साथ में कोई मतलब नहीं, बताओ तो तीनों में तुम कौन हो। बोले करने वाले को जो करता है वो बढ़िया है, 100 रुपया तो 100 रुपया का माल मिल गया, उसमें कोई प्रेम नाम का कोई चीज नहीं, करे नहीं करे तभी करता है। बोले ये पिता माता है, ये पिता माता है, करे करे नहीं करे, इसलिए करे नहीं करे कहती, ये पिता माता है क्योंकि गुरु गुरु वह पिता माता है, क्योंकि जो पिता माता की जो गुरु जी का जो हृदय महान होता है ना, महान होता है, भले ही बच्चा जितने नालायक हो जाए लेकिन पिता माता सोचती मेरे लाला है, मेरा बेटा है, इसलिए कहते कोई एक प्रेमिका, कोई प्रेमिका प्रेमिको को बोले, बोले तभी तेरे को मैं प्रेम करूंगी, तेरे मैया जी की मार करके उसका दिल को मेरे को दे दोगे, तो वो गया अपना मैया को अपना मार कर इसको दिल को ला रहा था, लाते समय कहीं उन्हें ठोकर खा कर गिर पड़ा तो वो दिल से आवाज आ रही, बोले लाला तेरे प्यार में तो कोई चोट नहीं लग गया, चोट तो नहीं लग गया, मतलब जो माताओं का जो हृदय होता है ना, इनको समझना बड़ा कठिन है, कितने बच्चे को बढ़ते इनको प्यार, लेकिन क्या होता है तब तक प्यार है जब तक शादी नहीं हो जाए, घर में एक बहू आ जाए ना, एक रात में ऐसे एक मंत्र देखिए दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब, दूसरे दिन इसको बुद्धि खराब हो जाती, पिता माता नहीं रह जाते हैं। लेकिन इसलिए बोले करे नहीं करे तभी कोई मतलब नहीं, तक चार करके हैं, आत्मा राम आप तक गुरुद्रोही और अकृतज्ञ, बोले तुम गुरुद्रोही और अकृतज्ञ, तुम आत्मा राम आप तक नहीं गुरुद्रोही, तुम अकृतज्ञ है तुम, क्योंकि राधा रानी तुम्हारे प्रेम का गुरु राधा रानी है, लेकिन तुमने बंसी बजा करके बुलाया, हम घर में थे और घोर जंगल में तुमने छोड़कर कहाँ चले गए, तू होता है तुम गुरुद्रोही और अकृतज्ञ, किया हुआ भलाई को तुमने भूल गए। पर कृष्ण उनको समझाते नहीं, प्रेम की दो पौड़ी है, एक मिलन और एक विरह है, लेकिन मिलन में तो सर केवल सामने सामने मिलते हैं, लेकिन विरह में जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्मृति है, जहाँ नेत्र पड़ता है सर्वत्र कृष्ण 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 कृष्ण, सर्वत्र उसको कृष्ण दिखता है। अगर ये विरह नहीं होता तो गोपीगीत नहीं होता, विरह नहीं होता तो रासलीला नहीं होता, विरह नहीं होता तो कुछ जितने बेनिफिट नहीं होता, जितने सारे गीत, विरह नहीं होता तो भ्रमर गीत नहीं होता, इसलिए जितने सारे गीत है वो विरह अवस्था में है ही, सबके सब ये राधा रानी गोपियों ने ये विरह अवस्था में गाए हैं, इसलिए तब उनको जब समझाए फिर भगवान उनको साथ में महाराज किया, इसलिए जो स्थली है ये गोपी गीत और यहाँ पर अद्भुत प्रभु की लीला स्थली, हम लोग सबके सब गुरु वैष्णव के अनुगत में यहाँ पर आए, अभी भी वही ढोल यहाँ पर पड़ा हुआ है, नारद जी ने वरदान दिया अगर गुरु वैष्णव के अनुगत में कोई जाए, हैं कोई गुरु वैष्णव के अनुगत में कोई जाए, कहते ना गौरव अमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हरे वामी प्रणयी भक्त सखी, इसलिए भक्तों का संग में हम लोग आए, वैष्णव के अनुगत्य में आए, यहाँ पर बैठे कथा सुने चरण धूल लगाओ, एक दिन यही प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, ठीक है। वंचा कर दुर्भस कृपा सिंधु भय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।